हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि निधि कंपनी का ऑल्टरनेटिव क्या है। दोस्तों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर हम बना करके काम करें तो निधि कंपनी के ऑल्टरनेटिव ये एक ऑप्शन है, यानी कि हम इस कंपनी में निधि कंपनी के जैसा ही दोस्तों काम कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनी दोस्तों रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और MCA के द्वारा गवर्न नहीं होगी। ये कंपनी एक अलग रजिस्ट्रार के द्वारा गवर्न होगी और एक अलग रजिस्ट्रार से ही रजिस्टर्ड होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने तरीके होती हैं, जो कि हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है। ये होती हैं दोस्तों दो तरीके की, यानी कि एक होती है डिस्ट्रिक्ट वाली और जिसको हम बोलते हैं स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और दूसरी होती है दोस्तों मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस तरीके से रजिस्टर होती है, कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मेंबर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, और उसके रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, कितनी दोस्तों कॉस्ट लगती है और कितना उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है, यानी कि किस किस जगह पर हम उसको रजिस्टर करा कर काम कर सकते हैं। तो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज दोस्तों बेसिकली निधि कंपनी के तरह ही ये फॉर द मेंबर्स और बाय द मेंबर्स ही होती है, यानी कि आपको जो है इसमें भी मेंबर बना करके ही काम करना होता है। यानी कि आपको स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी कुछ मेंबर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी और दोस्तों कुछ कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमें होगी। तो मल्टी स्टेट, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, मल्टी का मतलब होता है कई सारे स्टेट में काम करने वाली कंपनी को मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहा जाता है। और इसका जो नाम दोस्तों होता है तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड होता है। कई बार आपको कंफ्यूजन होगा कि ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये MCA के द्वारा तो रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं जी नहीं, ये उसके द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। ये दोस्तों होती हैं जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज होते हैं, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रार होते हैं, हेड ऑफिस इनका है दिल्ली में। तो जो मल्टी स्टेट वाली होती हैं वो दिल्ली से ही रजिस्टर होती हैं। तो जिस भी स्टेट में आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनिशियली आप जो है दो स्टेट को लेकर के रजिस्टर कर सकते हैं, एक जिसमें आपका हेड ऑफिस रहेगा वो होता है मेन स्टेट, और एक दोस्तों आपका एडिशनल स्टेट हो सकता है वो जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके बाउंड्री पर जो भी स्टेट है आप किसी को भी स्टार्टिंग में शामिल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यूपी की, तो जो यूपी से सटे हुए सारे स्टेट हैं, चाहे वो दिल्ली हैं, उत्तराखंड है ना, उधर बिहार है, तो आप जो है किसी के साथ मिलकर के भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। लेकिन आपको यूपी में, फुल यूपी में मिलेगा, लेकिन दोस्तों दूसरे स्टेट का आपको एक या दो डिस्ट्रिक्ट ही स्टार्टिंग में मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर मल्टी स्टेट का मतलब होता है पूरे इंडिया में काम करना, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है दोस्तों। स्टार्टिंग में आपको फुल स्टेट और एक या दो डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट की मिलेगा, लेकिन क्या हम बाद में इसमें एड ऑन बाद में करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं दोस्तों। जितनी भी आप डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्टेट की या और तीसरा चौथा स्टेट आप जो है ऐड यहां पर करा सकते हैं, लेकिन ये बाद में ही ऐड होगा। बाद में जो भी इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी वो अलग से होगी। स्टार्टिंग में हम जो है एक फुल स्टेट और एक या दो डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनदर स्टेट की लेकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये बात आ गई किसके द्वारा रजिस्टर होगी जी, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हेड ऑफिस दिल्ली में है इनका, वहां से रजिस्टर होगी। लेकिन दोस्तों हमें जिस भी स्टेट से हम रजिस्टर कराने जा रहे हैं वहां से NOC हमें लेनी होगी, यूपी से एक NOC लेनी होगी, और अगर हम उत्तराखंड को शामिल कर रहे हैं तो उत्तराखंड जो क्रेडिट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वहां से दोस्तों हमें NOC लेनी होगी। अगर हम बिहार को शामिल करना चाहते हैं तो बिहार स्टेट से NOC लेनी होगी, उसके बाद में हम यूपी NOC और जिस दूसरा स्टेट है उसकी NOC लेकर के विद ओल्ड डॉक्यूमेंट है ना। मेंबर की रिक्वायरमेंट की ओर बात कर लेते हैं। मेंबर की दोस्तों मिनिमम जो है, वैसे ये जो मेंबर की लिमिट है कुछ स्टेट में अलग अलग है, अगर मैं स्टैंडर्ड बात करूं तो कम से कम 50 मेंबर एक स्टेट से आपके होने चाहिए, और अगर आप मल्टी स्टेट बनाना चाह रहे हैं तो जो है आपको 50-50 मेंबर कम से कम दो स्टेट से होने चाहिए, या फिर 50 से आप थोड़े ज़्यादा 55-55 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वही हो गया कि पहले हम मेंबर क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे, और दोस्तों एरिया ऑफ ऑपरेशन हमने देख लिया और NOC को ले लेंगे, और NOC को लेने के बाद में दोस्तों हमें जो है किसी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर दोस्तों एक क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक में एक अपना प्रोविजनल अकाउंट ओपन कराना पड़ता है ना। और प्रोविजनल अकाउंट ओपन करा करके हमें
एक करोड़ की कैपिटल यहाँ पर डिपॉजिट करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल की इसमें बात करें तो 1 crore की कैपिटल इसमें आती है, यानी कि 1 crore की हमें कैपिटल स्टार्टिंग में ही बिफोर फाइनल रजिस्ट्रेशन हमें डिपॉजिट करनी होती है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जब हमारे हो जाएंगे तब हम जाएंगे दिल्ली हेड ऑफिस में। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फिजिकली भी जाना होता है। कुछ क्वेरीज वगैरह होती हैं तो वो लोग आपको रिवर्ट करेंगे, आपको जो है उन सारी क्वेरीज का आंसर देना होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे, हार्ड कॉपी भी ले जानी पड़ सकती हैं। लेकिन जो मेन बोर्ड होता है किसी सोसाइटी का, मैनेजमेंट बोर्ड होता है, उन्हीं को वहाँ पर प्रेजेंट होने की ज़रूरत है, ऑल मेंबर्स को प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात इसमें ये क्वेश्चन होते हैं कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना होगा, क्या निधि कंपनी से ज़्यादा होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होगा। जैसे निधि कंपनी में लिमिट्स होती हैं कि लोन पे वो लोग जो है डिपेंडिंग कुछ कंडीशन 18-19% तक चार्ज कर सकते हैं, तो इसमें दोस्तों थोड़ा ज़्यादा होता है, 22-23-25% तक भी आप चार्ज कर सकते हैं। वैसे ही डिपॉजिट होती हैं निधि कंपनी में जो है 7.5-8% तक आप जो है कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा और रिलैक्सेशन होता है और ज़्यादा आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए ये बेनिफिट होता है। अब मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें कि कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। एक तो हमें NOC लेनी होती है दो जगह से, यानी कि दो स्टेट से मेंबर बनाने होते हैं, उन सबका एफिडेविट इंडेमनिटी बॉन्ड लगता है, तो NOC भी इजीली नहीं मिलती है, डायरेक्टली नहीं मिलती है। या तो अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो खुद NOC लेकर के दे सकते हैं दोनों स्टेट की, तो ईजी होता है। नहीं तो दोस्तों NOC लेने में ही काफ़ी खर्चा आ जाता है, और काफ़ी कंसल्टेंट जो मार्केट में चार्ज कर रहे हैं इसकी कॉस्ट टोटल ओवरऑल वो 30-35 lakh की हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट फीस काफ़ी कम है और ये इसका प्रोसेस रहेगा। तो कैपिटल कितनी लगती है, एक बार फास्ट ट्रैक पे हम इसका देख लेते हैं मेन पॉइंट। कैपिटल कितनी लगती है दोस्तों, 1 crore की लगती है बिफोर रजिस्ट्रेशन या आफ्टर रजिस्ट्रेशन। बिफोर रजिस्ट्रेशन ही हमें एक अकाउंट ओपन करा करके प्रोविजनल उसमें डिपॉजिट करना होगा। मेंबर कितने चाहिए, वैसे मिनिमम 50 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें 55 हर एक स्टेट से इकट्ठे करने हैं उनके डॉक्यूमेंट्स KYC। ये जो मेंबर की लिमिट है स्टेट टू स्टेट चेंज भी हो सकती है, कुछ स्टेट में 100 की भी लिमिट है, कुछ में 150, कुछ में 200 की भी। तो उसके बाद NOC ले लेंगे, उसके बाद दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हम ऑनलाइन सबमिट कर देंगे और फिर अपने जाएंगे दोस्तों दिल्ली हेड ऑफिस में भी सबमिट कर देंगे, पहले ऑनलाइन और फिर फिजिकली भी जा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें निधि कंपनी से ज़्यादा हो सकता है डिपॉजिट पे भी और लोन पर भी। तो ये दोस्तों मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग था। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।